आयुष शर्मा ने सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली को मारी लात। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आयुष शर्मा ने सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉन। बॉलीवुड के गलियारों से बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आई थी कि कलाकार आयुष शर्मा जल्द ही सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में दिखाई देंगे। आयुष शर्मा फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में सलमान खान के छोटे भाई का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन अब वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। बॉलीवुड हंगामा ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि आयुष शर्मा ने फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। आयुष शर्मा का मानना है कि करियर के इस मोड़ पर उन्हें केवल लीड किरदार ही प्ले करने चाहिए, जिसके चलते उन्होंने भाईजान की इतनी बड़ी फिल्म छोड़ दी है। फिल्म से जुड़े सूत्र ने पोर्टल को बताया कि आयुष शर्मा फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ की सफलता के सातवें आसमान पर है। इस फिल्म ने उनके अंदर भरोसा जगाया है कि वो अपने दम पर फिल्म को चला सकते हैं। दर्शकों को उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आई है, जिस कारण उन्होंने फैसला किया है कि वो बड़ी फिल्मों में साइड रोल नहीं निभाएंगे, वो फिल्मों में हीरो का किरदार ही प्ले करना चाहते हैं। सलमान खान को भी लगता है कि आयुष को कभी ईद कभी दिवाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ फिल्म उनके किरदार के आसपास घूमती दिखाई देगी। फिल्म में आयुष उनके छोटे भाई का किरदार निभाने वाले थे। फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में वेंकटेश और पूजा हेगड़े अहम किरदारों में दिखाई देंगे। जहाँ पूजा हेगड़े भाईजान की प्रेमिका बनेगी, तो वहीं वेंकटेश भाईजान की तरह ही जबरदस्त किरदार प्ले करेंगे। फरहाद सामजी की यहाँ फिल्म में जाहिर इकबाल भी दिखाई देंगे, जिन्हें सलमान खान ने खुद नोटबुक से लॉन्च किया था। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स आयुष शर्मा के किरदार के लिए किस कलाकार को साइन करते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या है राय? क्या आयुष शर्मा को यहाँ फिल्म करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए? क्या उनका यहाँ फैसला सही होगा या गलत होगा? जो भी हो, आपकी राय कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।